सुनो, लग रहा है हमारे घर में डाकू आ गए। अरे डाकू नहीं, कोई छोटा मोटा चोर होगा, तुमको देखते ही भाग जाएगा, जाओ। अच्छा, अगर उनके हाथ में बंदूक हुई तो? मैं नहीं जा रही हूँ, ये लो डंडा और उनको मार के बिछा दो। और अगर उन लोगों ने मुझ पे गोली चला दी तो? अगर तुम्हें गोली लग भी गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमको मेरे करवा चौथ पे भरोसा है कि नहीं? सुनो, आपने देखा बाहर कितना आंधी तूफान आ रहा है? हाँ यार बहुत। अरे कपड़े उतार लो जल्दी से। उतार लिए। अच्छा चलो, अच्छी बात है। पता है क्यों आ रहा है? इसका इसका एक ही कारण है, पता है? सारी औरतें अपने मायके से ससुराल की तरफ जा रही हैं, है ना, तो इसलिए आ रहा है। हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है, इसलिए आ रही है। तो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। तो तुम सुनाओगी या मैं? तुम सुनाओ। अच्छा ठीक है। तो ये बात है 2010 की। हाँ, 10 की। तो हम लोग एक क्लास में पढ़ा करते थे। एक्सक्यूज मी, पढ़ती तो सिर्फ मैं थी, तुम तो क्लास के बाहर मुर्गा बना करते थे। हाँ ठीक है। तो मैं मन ही मन इन्हें बहुत पसंद करता था और बस एक चांस का मुझे इंतजार था कि चांस मिले और कब मैं इन्हें प्रपोज कर दूं। तो एक बार मेरी तबीयत खराब होती है और मैं कॉलेज नहीं जा पाता हूँ। तो उसके नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरा काम छूट गया था। तो काम कंप्लीट करने के बहाने मैंने इनसे कॉपी ली ताकि उसके लास्ट पेज पर मैं अपने दिल की बात इनसे कह सकूं। अब इसके आगे मैं बताऊंगा। A few moments later. इसके आगे का ये बताएंगी। हाँ, तो जब इन्होंने मेरी कॉपी वापस की तो उसके लास्ट पेज पे एक बहुत रोमांटिक शायरी लिखी थी कि भैंस का गोबर होता है भूरा और मैं तुम्हारे बिना हूँ अधूरा, और ये मेरी लाइफ का पहला प्रपोजल था। तो फिर जब मैं दो दिन बाद स्कूल डरते डरते गया तो मैंने देखा कि ये मुझे काफी इग्नोर कर रही हैं, काफी। इग्नोर? मैंने तो तुम्हारे ऊपर पूरी नजर रखी थी, याद नहीं है तुम्हें मैंने छुट्टी में अपने दोनों भाइयों से पिटवाया था? तो फिर हुआ यूं कि एक दिन ये अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आई थी तो टीचर ने काफी इन्हें मारा था। तो फिर ये काफी रो रही थी, काफी सैड थी। तो मैं इनके पास गया और नेहा से रुमाल लिया और इनके आंसू पोछे। तो एक मिनट, वो रुमाल तुमने नेहा से लिया था? हाँ। मुझे पहले से ही पता था कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। एक बात बताओ, शर्मा जी के घर झगड़ा क्यों हो रहा है? शर्मा जी अपनी बीवी को बिना बताए बैंकॉक जा रहे थे, वो भी अपने एक दोस्त के साथ। शायद यही बात उनको पता चल गई। तो उसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है अपने घर परिवार के लिए ना। अगर कुछ दिन के लिए घूमने चले भी गए तो क्या हो गया? पति को गुलाम बना के थोड़े ना रखना चाहिए। वैसे तुम क्यों रेडी हो रहे हो? अरे वो मेरे साथ ही तो जा रहे हैं। तुझमें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़ा हो? दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। यार मेरा चश्मा टूट गया है, जरा मेरा राशिफल पढ़ के बताओगे क्या लिखा है? अरे वाह, क्या क्या लिखा है? कुछ ही दिनों में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। एक बात बताओ, तुमने कोई लॉटरी खरीदी है क्या? लॉटरी तो नहीं, पर कल ही तो तुम्हारा जीवन बीमा करवाया था। मुस्कान झूठी है। तुमने कुछ सुना क्या? शर्मा जी और उनकी वाइफ दोनों को शुगर की बीमारी हो गई। अरे तो इसमें क्या है, मीठा ज्यादा खाते होंगे। अरे नहीं यार, लोग बता रहे थे वो लोग दिन भर एक दूसरे को स्वीटी हनी स्वीट हार्ट लड्डू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इसीलिए हुआ है। अच्छा, सुनो, आपने मिस्टर शर्मा को देखा? क्या हो गया मिस्टर शर्मा? खुश रहते हैं, जब से इनकी बीवी गई ना रोज पार्टियां भी कर रहे हैं। यार यार ये बात तो तुमने सही कही, मैं इस बंदे की तो कंप्लेंट करने वाला हूँ। हाँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही यार इसकी खुशी। अच्छा मतलब? मतलब अगर मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी तो आप भी इतना खुश होगे? नहीं यार, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूंगा। पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग अपनी पत्नी के बिना। मेरी तो यहाँ पड़ोसी की पत्नी चली जाए मेरा तो वैसे ही मन नहीं लगता। ए राजा जी।